जय हिंद वंदे मातरम आप सभी का स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड डैम से क्यू चैनल पर तो चलिए आज आपका बिहार पुलिस एग्जाम 2022 के लिए फुल लेंथ सीरीज का क्लास नौ चलेगा तो जल्दी जल्दी से सभी लोग लाइव में जुड़ जाइए सभी को गुड इवनिंग गुड इवनिंग तो चलिए इसी के साथ आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं तो आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है किस पुस्तक में हिंदी का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है ऑप्शन है महाभारत रामचरितमानस, ऋग्वेद या डी अभेस्ता प्रत्येक लोग लाइव चैट में अपना अपना आंसर देते जाएंगे तो प्रश्न एक का राइट आंसर जो भी बच्चे बी को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब दिए हैं रामचरितमानस मानस में हिंदी का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है दूसरा प्रश्न है प्रश्न दो से तीन तक प्रत्येक चार विकल्पों में से बेमेल यानी कि असंगत शब्द को चिन्हित करना है तो प्रश्न दो में चार ऑप्शन है इसमें से औसंगत शब्द को ढूंढना है तो देखिए दूसरे का राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन डी के साथ चला देगा बु भुक् ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है बाकी निरामिष समिश शाकाहारी ये सभी एक ही है बाकी ऑप्शन डी जो है ये औसंगत है तीसरा प्रश्न भी वही है प्रार्थना वंदना अर्चना आराधना इसमें से कौन सा एक बेमेल है यानी कि औसंगत है तो देखिए तीसरे प्रश्न का राइट आंसर जो भी बच्चे सी को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब दिए हैं अर्चना जो है इन सभी से मेल नहीं होता है ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है बाकी प्रार्थना वंदना आराधना ये संगत है अब देखिए प्रश्न चार से पाँच तक प्रत्येक प्रश्न में दिए गए चार चार विकल्पों में से शुद्ध वाक्य को चिन्हित करना है तो देखिए यदि तुम खूब पढ़ोगे अतः विद्वान बनोगे ऑप्शन बी में देखिए ऑप्शन सी देखिए और ऑप्शन डी देखिए तो इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा लिखा गया है तो देखिए ऑप्शन बी को पढ़ते हैं कि उसे नींद आती है और न प्यास लगती है यहाँ पे न होगा न उसे नींद आती है न उसे प्यास लगती है ये जो वाक्य है बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है पाँच नंबर प्रश्न भी वैसे है इसमें से चार वाक्य लिखा गया है आपको शुद्ध वाक्य ढूंढना है नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं प्रश्न छः से आठ तक प्रत्येक वाक्य खंड के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से एक शब्द चुनना है देखिए प्रश्न है जानने की इच्छा रखने वाला को क्या कहते हैं तो देखिए जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु बोला जाता है ऑप्शन बीस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सातवां प्रश्न है जो किसी का हित चाहता हो उसे क्या बोला जाता है तो देखिए जो किसी का हित चाहता है उसे हितैषी बोला जाता है ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है आठवां प्रश्न है जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा तो देखिए जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए एक शब्द है और किंचन ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा नौ नंबर प्रश्न को देखते हैं नौ नंबर में है देखिए प्रश्न नौ से दस तक प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करना है प्रश्न नौ में चार ऑप्शन है इसमें से तत्सम शब्द आपको बताना है तो देखिए नौ में जो तत्सम शब्द है ये निर्जीव जो है ये तत्सम शब्द है बीस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न दस भी वैसे है इसमें से तत्सम शब्द को ढूंढना है तो देखिए इसमें जो तत्सभ होगा वो क्या होगा निर्मम होगा निर्मम जो शब्द लिखा गया है यह तत्सम है और तद्भव क्या होता है तो देखिए तत्सम जो संस्कृत का रूप होता है उसी का हिंदी रूपांतरण तद्भव कहलाता है अब यहाँ से आपके इंग्लिश के प्रश्न स्टार्ट होते हैं तो प्रश्न ग्यारह में है फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ ए सेंटेंस हैज एन इडर इसमें एक वाक्य को चार पार्ट में डिवाइड किया गया है इसमें से जो पार्ट इरर है आपको इरर बताना है अगर इरर नहीं है तो नो इरर को टिक कर सकते हैं तो ग्यारह में जो इरर है इसका राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा सी में क्या है फीवर देन देन अब यहां से आपके इंग्लिश के प्रश्न स्टार्ट होते हैं जो कि पांच क्वेश्चंस को, को देखने वाले हैं तो प्रश्न ग्यारह में है फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ ए सेंटेंस हैज एन इरर इसमें एक वाक्य को चार पार्ट में डिवाइड किया गया है आपको कोई एक पार्ट को इरर करना है यानी कि इरर ढूंढना है अगर इरर नहीं मिलता है तो नो इरर को टिक कर सकते हैं तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा ऑप्शन सी में क्या है तो फीवर देन टेन बैग्स ऑफ राइस है यहाँ पे फीवर देन नहीं होगा यहाँ पे लेस देन होगा तो हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा बारह नंबर प्रश्न में है चूज द वन विच एक्सप्रेस द राइट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड यहाँ पे वर्ड दिया गया है स्टबॉर्न इसका आपको पर्यायवाची ढूंढना है तो इसका हिंदी क्या होता है तो स्टबॉर्न का हिंदी होता है ज़िद्दी हट्टी होता है तो इसका पर्यायवाची क्या होगा जो ऑप्शन दिया गया है सी में करेक्ट आंसर हो जाएगा एडमेंट हो जाएगा याद रखना है एडमेंट इसका हिंदी होता है अटल तो बारह नंबर प्रश्न का राइट आंसर सी होगा तेरह नंबर में है चूज द वन विच अपोजिट द राइट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड यानी कि इसमें वर्ड दिया गया है समिट इसका आपको अपोजिट बताना है तो देखिए समिट का मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है शिखर ऊंचाई, चोटी होता है तो इसका उल्टा क्या होगा बॉटम हो जाएगा डिस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा चौदह नंबर प्रश्न है फाइंड द रोंगली स्पेल्ड वर्ड इस प्रश्न में चार ऑप्शन दिए गए हैं यानी कि चार वर्ड में से कोई एक वर्ड गलत टाइप है तो देखिए इसमें से जो गलत है वो टॉलरेंट है टॉलरेंट का स्पेलिंग ये नहीं होता है टॉलरेंट का होता है टी ओ एल ई आर ए एन टी होता है यहाँ पे ई जो है यहाँ पे ए कर देंगे तो सही हो जाएगा याद रखना है और इसका हिंदी होता है सहनशील पंद्रह नंबर प्रश्न है आउट ऑफ फोर अल्टरनेटिवस चूज द वन विच कैन बी सब्सिट्रिटेड फॉर द गिवन वर्ड या सेंटेंस यानी कि अनेक शब्दों के बदले जो हम लोग हिंदी में बनाते हैं एक शब्द उसी तरह का ये भी है तो यहाँ पे सेंटेंस दिया गया है वन हु वॉक्स इन स्लीप इसका हिंदी होता है जो नींद में चलता है उसे क्या बोला जाता है तो उसे निद्राचल बोला जाता है तो इसका राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा बिल्कुल इसी तरह के इंग्लिश के प्रश्न एग्जाम में भी पूछे जाते हैं चलिए अब आगे देखते हैं सामाजिक विज्ञान के प्रश्न हैं सोलह नंबर में है भारत में इनमें से कौन उम्र में प्राचीनतम है चलिए आंसर करते जाएंगे तो देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि कौन उम्र में प्राचीनतम है तो 16 का राइट आंसर अरावली श्रेणी हो जाएगा अरावली श्रेणी जो है ये उम्र में प्राचीनतम में ध्यान रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सत्रह नंबर में है भारत के किस राज्य में काली मिट्टी वृहद क्षेत्र में पाई जाती है यानी कि पूछा जा रहा है किस राज्य में काली मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है तो देखिए सत्रह नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा महाराष्ट्र और गुजरात हो जाएगा तो ऑप्शन में सिर्फ महाराष्ट्र है महाराष्ट्र को टिक कर सकते हैं काली मिट्टी को क्या बोला जाता है तो इसे चरनौजा मिट्टी भी बोला जाता है काली कपासी मिट्टी भी बोला जाता है क्योंकि काली मिट्टी में सबसे अधिक कपास की खेती की जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अठारह नंबर में है वारकरी समाज सुधार आंदोलन कहाँ से आरंभ हुआ था सोच so, समझ कर आंसर आप लोगों को करना है और प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में अपना अपना आंसर देते जाना है तो देखिए वारकरी समाज सुधार आंदोलन ये कहाँ से हुआ था तो ये महाराष्ट्र से आरंभ हुआ था ऑप्शन बीस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा उन्नीस नंबर है महाराष्ट्र में वतनदार किस वर्ग को कहा जाता था तो देखिए उन्नीस का राइट आंसर होगा सामंत वर्ग को महाराष्ट्र में सामंत वर्ग को क्या बोला जाता था तो वतनदार नेक्स्ट क्वेश्चन बीस नंबर है अस्पृश्यता जागरूकता अभियान गांधी जी ने कहाँ से प्रारंभ किया था मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो प्रश्न बीस का राइट आंसर सी हो जाएगा वर्धा से स्टार्ट किया था नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कागज का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ था बेसिक प्रश्न है तो देखिए कागज का आविष्कार सर्वप्रथम आप लोग जानते हैं चाइना में हुआ था बीस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध यत रथ यात्रा महोत्सव कहाँ होता है तो देखिए प्रसिद्ध रथ यात्रा महोत्सव जो है ये होता है पुरी में उड़ीसा के पुरी में ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है नेक्स्ट है बुखारेस्ट किस देश की राजधानी है तो तेईस का राइट आंसर हो जाएगा ये रोमानिया की राजधानी है नेक्स्ट है द बैटर मैन किसकी कृति है तो देखिए द मैन जो है ये अनिता नायर की कृति है बीस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है पच्चीस नंबर में है बौद्ध धर्म से संबंध अर्ध गोलाकार अंत्येष्टि संबंधी टीले को क्या कहते हैं तो देखिए बौद्ध धर्म से संबंध अर्ध गोलाकार अंत्येष्टि संबंधी टीले को क्या बोला जाता है तो स्तूप बोला जाता है इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर है छब्बीस नंबर है मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन स्थान द्वारा किया गया मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है तो देखिए मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन अकबर के द्वारा किया गया ऑप्शन बीस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना है इंपॉर्टेंट प्रश्न है नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं संविधान के किस आर्टिकल के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है यानी कि प्राप्त था अभी नहीं है तो देखिए सत्ताईस का जो राइट आंसर होगा वो डी के साथ चला जाएगा तीन सौ सत्तर जो कि अब हटा दिया गया है डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर है नेक्स्ट है स्टीपल शब्द किस खेल से संबंध है तो देखिए स्टिपल खेल शब्द जो है ये संबंध है हॉर्स रेसिंग से इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा नेक्स्ट प्रश्न देखिए उनतीस नंबर से है भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह किस वर्ष मनाया गया था चलिए आंसर करते जाएंगे तो देखिए भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह ये उन्नीस सौ बावन ईस्वी में मनाया गया था बीस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है तीस नंबर है भारतीय संविधान के अनुसार भारत है तो देखिए भारतीय संविधान के अनुसार भारत क्या है तो एक राज्य संघ है ऑप्शन डी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इकतीस नंबर है योजना आयोग का पदन अध्यक्ष कौन होता है तो देखिए योजना आयोग के जगह पर अभी नीति आयोग आ गया है नीति आयोग की स्थापना एक जनवरी 2015 ईस्वी को होती है और नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं तो यहाँ पे पूछा जा रहा है योजना आयोग के पदन अध्यक्ष कौन होता है इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी प्रधानमंत्री याद रखना है नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में वृहद तटीय रेखा है तो देखिए प्रश्न 32 का राइट आंसर आप सभी जानते हैं गुजरात हो जाएगा गुजरात राज्य की रेखा सबसे लंबी है नेक्स्ट है भारत का कौन सा राज्य तीन ओर बांग्लादेश से घिरा है तो देखिए बांग्लादेश का त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा है ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है तो अगरतला है चौंतीस नंबर में है भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है चलिए आंसर करेंगे तो देखिए प्रश्न चौंतीस का राइट आंसर डी हो जाएगा भारतीय संविधान के आठवीं अनुसूची में बाईस भाषाओं का उल्लेख किया गया है डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है और फ्रेंड्स सेशन के एंड में अपना अपना स्कोर ज़रूर देना है कि आपने कितने प्रश्नों के सही सही जवाब दिए हैं पैंतीस नंबर में है किस आर्टिकल के अनुसार चौदह वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने खानों एवं अन्य जोखिम वाले कार्यों में नहीं लगाया जा सकता है तो देखिए वो कौन सा आर्टिकल है तो वो आर्टिकल है ट्वेंटी फोर यानी कि अनुच्छेद चौबीस है ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा छत्तीस नंबर में है जनहित याचिका किस न्यायालय में दायर की जा सकती है तो देखिए जनहित याचिका जो है ये किस न्यायालय में दायर की जा सकती है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय यानी कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों ही सही है इसका राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा याद रखना है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा किस मानसून में होती है ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है इस पर स्टार लगा रहे हैं तो देखिए भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा नेक्स्ट है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है ये प्रश्न बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा जा चुका है तो देखिए ओरिजिन ऑफ स्पेसिज नामक पुस्तक ये लिखी है किसने चार्ल्स डार्विन ने ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उनचालीस नंबर में है सम्राट अशोक का संबंध निम्नलिखित में से किस वंश है चलिए आंसर करेंगे तो देखिए सम्राट अशोक का जो संबंध है ये मौर्य वंश है ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा नेक्स्ट है भोपाल गैस कांड किस तिथि को हुआ था चलिए आंसर करेंगे नेक्स्ट है अवंतिका मध्य प्रदेश के किस नगर का प्राचीन नाम है तो देखिए अवंतिका जो है ये मध्य प्रदेश के उज्जैन का प्राचीन नाम है ऑप्शन बीस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना है और देखिए उज्जैन जो है यह किस नदी के तट पर बसा हुआ है पूछा जाता है तो छिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है नेक्स्ट है सांची के स्तूप का निर्माण किस शासक ने करवाया था तो देखिए सांची के स्तूप का निर्माण जो है यह किस शासक ने करवाया था तो अशोक ने ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है नेक्स्ट है निम्न में से किसकी असफलता के बाद भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ किया गया था तो देखिए प्रश्न तैंतालीस का राइट आंसर होगा क्रिप्स मिशन बीस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा और देखिए भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये वर्ष उन्नीस सौ बयालीस ईस्वी में हुआ था और इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था पूछा जाता है एग्जाम में याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सत्याग्रह आश्रम की स्थापना उन्नीस सौ पंद्रह ईस्वी में हुई इसके संस्थापक कौन थे तो सत्याग्रह आश्रम की स्थापना 1915 सौ ईस्वी में हुई थी और इसके संस्थापक कौन थे तो महात्मा गांधी इसके संस्थापक थे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है नेक्स्ट है किस अधिकार को डॉ बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा बताया था तो देखिए प्रश्न पैंतालीस का राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा संवैधानिक उपचार के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा बताया था नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सूर्य क्या है तो देखिए छियालीस नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा सूर्य जो है एक प्रकार का तारा है ऑप्शन बीस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का यह नाम किसने दिया था तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो नाम दिया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये किसने दिया था तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी ने और याद रखना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अठारह सौ पचासी ईस्वी में की जाती है किसके द्वारा तो ह्यूम के द्वारा ध्यान रखना है नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस शहर के पास महत्वाकांक्षी हाईटेक सिटी विकसित किया जा रहा है चलिए आंसर करेंगे तो देखिए प्रश्न अड़तालीस का राइट आंसर सी हो जाएगा बंगलौर के पास याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उनचास नंबर में उनचास नंबर में है सबसे अधिक उद्योग पर आधारित अर्थव्यवस्था इनमें से किस देश में है ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है तो देखिए उनचास का राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर सिंगापुर जो है ये उद्योग पर आधारित अर्थव्यवस्था सबसे अधिक है यहाँ पर डिस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है नेक्स्ट है ब्रह्मा विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति वाला प्रसिद्ध मंदिर किस शहर में है तो देखिए प्रश्न पचास का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी के साथ चला देगा ये सुचिंद्रम शहर में है नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में ऊर्जा उत्पादन में सबसे अधिक हिस्सा किस प्रकार के ऊर्जा उत्पादन का है तो देखिए भारत में ऊर्जा उत्पादन में सबसे अधिक हिस्सा किस प्रकार के ऊर्जा उत्पादन का है तो याद रखना है ऊष्मिया का शीर्ष प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऊष्मिया ऊर्जा का है सबसे अधिक नेक्स्ट है साकेत के रचयिता कौन है तो देखिए साकेत के रचयिता जो है मैथिली गुप्त है ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मैथिली गुप्त साकेत के रचयिता है नेक्स्ट है विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय खेल कौन सा है इम्पोर्टेंट प्रश्न है तो देखिए विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय खेल है फुटबॉल डिस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है मालीगांव किस रेलवे जोन का मुख्यालय है तो देखिए मालीगांव जो है ये उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे का मुख्यालय है ऑप्शन सी प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रॉड गेज रेल लाइन की चौड़ाई कितनी है तो देखिए पचपन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सोलह सौ छिहत्तर याद रखना है मिलीमीटर से इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रॉड गेज रेल लाइन की चौड़ाई कितनी होती है तो सोलह सौ छिहत्तर मिलीमीटर नेक्स्ट दस रुपये के नोट पर हस्ताक्षर किसके होते हैं सोच so, समझ कर आंसर करना है तो देखिए दस रुपये के नोट पर हस्ताक्षर जो होते हैं रिजर्व बैंक के गवर्नर के होते हैं ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है नेक्स्ट है पोंगल किस प्रांत का राजकीय त्यौहार है तो देखिए पोंगल जो है ये तमिलनाडु का राजकीय त्यौहार है ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है तो देखिए आप सभी जानते हैं भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है नेक्स्ट क्वेश्चन है अफ्रीका के पूर्वी तट पर तंजानिया के पास समुद्र में कौन सा द्वीप स्थित है तो देखिए अफ्रीका के पूर्वी तट पर तंजानिया के पास समुद्र में जंजीबार द्वीप स्थित है ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है तो देखिए भारत का शेक्सपियर कालिदास को बोला जाता है ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं इकसठ नंबर प्रश्न है अब यहाँ से आपके सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस के प्रश्न स्टार्ट होते हैं तो प्रश्न इकसठ नंबर है कांच में से गुजरने पर प्रकाश के किस रंग की गति धीमी होती है तो देखिए इकसठ का राइट आंसर जो ये बच्चे बी को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब दिए हैं बैगनी रंग की गति जो है ये धीमी होती है और सबसे अधिक लाल दोनों को ध्यान रखना है नेक्स्ट है रेडियो ट्रांसमिशन में एफएम से अभिप्राय क्या है तो देखिए रेडियो ट्रांसमिशन में एफएम से अभिप्राय है फ्रीक्वेंसी मॉडुलेशन यानी कि एफएम का आपको फुल फॉर्म पूछा जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी मॉडुलेशन याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर का पिता यानी कि फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है तो देखिए फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को बोला जाता है बीस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पंदन की दर से डॉक्टरों को किस बात का पता चलता है तो देखिए स्पंदन की दर से डॉक्टरों को जो है ये हृदय की धड़कन का पता चलता है ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है नेक्स्ट क्वेश्चन है युद्धक विमान अधिक ऊंचाई पर क्यों उड़ते हैं इसका कारण क्या है तो देखिए युद्धक विमान अधिक ऊंचाइयों पर इसका उड़ने का कारण है रडार संसूचन से बहाव हेतु याद रखना है डी प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ध्यान रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन सहायता नहीं करता है तो देखिए विटामिन किस में सहायता नहीं करता है सभी ऑप्शंस को सही से देखते हैं तो देखिए इसका राइट right आंसर जो होगा पाचन क्रिया में विटामिन पाचन क्रिया में सहायता नहीं करता है बाकी सभी में सहायता करता है नेक्स्ट क्वेश्चन है आँख का वह कौन सा भाग है जिसमें वर्णाक होल है जो किसी व्यक्ति की आंखों का रंग निश्चित करता है तो देखिए किसी व्यक्ति के आंखों का रंग कौन निश्चित करता है तो ये करता है कॉर्निया ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्तनधारियों में लाल रुधिर कनिकाओं का निर्माण कहाँ होता है तो देखिए स्तनधारियों में लाल रुधिर कनिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है बीस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है नेक्स्ट है वायुमंडल का दबाव मापा जाता है तो देखिए वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर में मापा जाता है ऑप्शन बीस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सत्तर नंबर में है प्रकाश वर्ष इकाई है तो देखिए प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है तो ये जो है दूरी की इकाई है ऑप्शन बीस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है धनुष में नारंगी और हरे के बीच कौन सा रंग होता है तो मेघ मेघधनुष में नारंगी और हरे रंग के बीच कौन सा रंग होता है तो ये होता है ऑप्शन सी पीला रंग होता है ध्यान रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साइकिल स्कूटर आदि में बॉल बेरिंग का उपयोग किया जाता है जिससे तो देखिए साइकिल स्कूटर आदि में बॉल बेरिंग का उपयोग किया जाता है जिससे पहिए और धुरी के बीच घर्षण घट जाए ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है नेक्स्ट है सुपर सोनिक विमान किसको हानि पहुंचाता है इम्पोर्टेंट प्रश्न है तो देखिए सुपर सोनिक विमान जो है ये ओजोन मंडल को नुकसान पहुंचाता है डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है नेक्स्ट है शुष्क बैटरी सेल में किस प्रकार की कार्यशक्ति संग्रहित है तो देखिए शुष्क बैटरी सेल में रासायनिक कार्यशक्ति संग्रहित है ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है नेक्स्ट है मध्यार्क वाले पेयों के अधिक सेवन से हानि होती है तो देखिए मद्यार्क वाले पेयों के अधिक सेवन से क्या हानि होती है इसका सही जवाब है कलेजे को हानि पहुंचती है, है।, है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है नेक्स्ट है रबड़ से स्टील अधिक लचीला होता है इसका कारण क्या है तो देखिए रबड़ से स्टील का अधिक लचीला होने के कारण है प्रतिबल का विकृति से अनुपात अधिक होना ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है नेक्स्ट है एक कार और भरी हुई एक ट्रक रास्ते पर समान गति से चलते हैं ट्रक से तुलना की जाए तो कार धारण करेगी तो देखिए सतर का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा कम गतिज ऊर्जा धारण करेगी नेक्स्ट क्वेश्चन है टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था तो देखिए बात करते हैं टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था तो ग्राहम बेल ने किया था नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्वत्रिक रुधिर दाता यानी कि यूनिवर्सल ब्लड डोनर का रुधिर समूह होता है तो देखिए यूनिवर्सल ब्लड डोनर का रुधिर समूह होता है इसका सही जवाब है ओ ग्रुप का इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अस्सी नंबर में है मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है तो देखिए आप सभी जानते हैं मधुमेह रोग जो है ये इंसुलिन की कमी से होता है ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में ऊर्जा के विमोचन से संपूर्ण रूपांतरण क्या कहलाता है तो ये कहलाता है वायु श्वसन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है नेक्स्ट है टीवी कंट्रोल यूनिट निम्न में से किसे टीवी सेट के संचालन के लिए प्रयोग करता है तो देखिए बेरासी का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा रेडियो तरंगे। नेक्स्ट है दीर्घकालीन कठिन परिश्रम के पश्चात मांसपेशियों में होने वाली थकान किस कारण से अनुभव होती है तो देखिए तिरासी का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है लैक्टिक अम्ल के बनने के कारण नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है तो देखिए ऊंचाई नापने के लिए अल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है नेक्स्ट है टैबलेट या पाउडर वाली दवा की बोतलों में सिलिका की जेलों की एक छोटी सी थैली होती है क्योंकि सिलिका की जेल क्या होती है तो देखिए टेबलेट या पाउडर वाली दवा की बोतलों में सिलिका की जेली की एक छोटी सी थैली होती है क्योंकि सिलिका की जेल नमी को सोख लेती है ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है नेक्स्ट है कृष्ण छिद्र अंतरिक्ष में एक ऐसा पिंड है जो किसी विकिरण को अपने में से निकलने नहीं देता है इसका कारण क्या है तो देखिए आप लोगों ने इंग्लिश में इसका नाम सुना होगा कृष्ण छिद्र यानी कि ब्लैक होल का नाम सुना होगा तो ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक ऐसा पिंड है जो किसी भी किरण को अपने में से निकलने नहीं देता है इसका रीजन है अत्युच्च घनत्व रखना इसका रीजन क्या है अत्युच्च घनत्व के कारण शीर्ष प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा नेक्स्ट है शरीर के अमाशय एवं अन्य अंतरंगों का अन्वेषण करने वाली तकनीक एंडोस्कोपी किस घटना पर आधारित है आप लोग इतना याद रखिए कि एंडोस्कोपी जो है ये किस घटना पर आधारित है तो ये जो है पूर्ण आंतरिक प्रावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन प्रतिभाशाली वैज्ञानिक इंजीनियर गणितज्ञ विद्वान कलाकार मूर्तिकार संगीतज्ञ और महान लेखक था तो ऑप्शन ए में है पिकासो और ऑप्शन दिखाते हैं तो देखिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर नहीं होगा ऑप्शन बी और सी डी दे सकते हैं थॉमस आलिया एडिसन अल्बर्ट आइंस्टीन लियोनार्डोदा विंसी तो देखिए प्रश्न अठासी का राइट आंसर जो होगा लियोनार्डोदा विंची हो जाएगा यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है इसको खासकर ध्यान रखना है नेक्स्ट है परमाणु बम की खोज किसने की थी तो देखिए बात करते हैं परमाणु बम की खोज तो ये ऑटो हॉर्न के द्वारा खोजा गया था ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है नेक्स्ट है द्रवित पेट्रोलियम गैस में प्रमुखता कौन सी गैस होती है तो देखिए द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जिसको शॉर्ट में एल बोला जाता है तो इसमें कौन सी गैसें होती है इसका सही जवाब है मिथेन ब्यूटेन और प्रोपेन ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है अब यहाँ से आपके मैथ्स के प्रश्न स्टार्ट होते हैं जो कि मैथ्स के दस प्रश्न होंगे हम सभी का आंसर बता देते हैं आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा और जब पी टेलीग्राम चैनल पर डाला जाएगा तो उसमें इसका सोलूशन भी डाल दिया जाएगा तो प्रश्न इक्यानबे में है 50 किलोमीटर यात्रा करने पर मैंने पाया कि अभी यात्रा का तीन बटे पाँच भाग शेष है यात्रा की कुल दूरी कितनी है तो देखिए इसका जो एग्जैक्ट राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा 125 सौ पच्चीस किलोमीटर सॉल्व कर लीजिएगा बिरानवे नंबर प्रश्न को आप सही से पढ़ लीजिए हम इसका आंसर बताते हैं पचास प्रतिशत होगा तिरानवे नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा चार सौ पचास चौरानवे नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा नौ सौ पचहत्तर पंचानवे नंबर प्रश्न को देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन जाएगा डी के साथ सत्ताईस हो जाएगा आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा छियानवे नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं एक विद्यालय की किसी कक्षा में कुछ बेंच लगी है यदि प्रत्येक बेंच पर छः छात्र बैठे हैं तो तीन छात्र खड़े रह जाते हैं और यदि प्रत्येक बेंच चलिए और दिखाते हैं यहाँ पे देख सकते हैं यदि प्रत्येक बेंच पर पांच छात्र बैठे तो पंद्रह छात्र खड़े रह जाते हैं तो छात्रों की कुल संख्या कितनी है आपको बताना है तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा छात्रों की कुल संख्या पचहत्तर होगी सॉल्व करके देखिएगा संतान प्रश्न है इसका जो राइट आंसर होगा सॉल्व करने पर वो आपका निकलेगा एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अंठानवे नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा सॉल्व करने पर ऑप्शन सी चौदह निन्यानवे नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पांच वर्ष और लास्ट प्रश्न है सौ नंबर इसका राइट right आंसर क्या होगा तो ऑप्शन बी हो जाएगा सोलह अनुपात पैंतीस तो आज के सेशन में ये हंड्रेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न थे तो आज के लिए इतना ही तब तक के लिए जय हिंद